हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ब्राउनी रेसिपी। देखो फ्रेंड्स, ये कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। कर रहा है ना आपको इसे खाने का मन। इसका क्रस्ट काफ़ी अच्छा है और ये अंदर से भी बिल्कुल फजी है। तो चलिए इसे जल्दी से बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 140 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया। आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं। इसको आपको बारीक बारीक काट लेना है जिससे इजीली मेल्ट हो जाए। इसे चॉप करने के लिए मैंने अपनी दीदी की हेल्प ली है। अब हम इस चॉकलेट को एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप मेल्टेड बटर डाल देंगे। आप इसमें कोई सा भी बटर यूज कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को एक साथ मेल्ट करेंगे। इसको हम गर्म पानी के ऊपर मेल्ट कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बाउल पानी में टच नहीं होना चाहिए, वरना हमारी चॉकलेट खराब हो सकती है। इसको आपको मिक्स करते रहना है जिससे जल्दी जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको इसे खाने का मन कर सकता है, पर आपको इसे खा नहीं जाना है। ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, स्मूथ और सिल्की हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसमें 1/4 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। आप इसमें मिठाई मेट का भी यूज कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना चॉकलेट एकदम से जम के खराब हो सकती है। कंडेंस मिल्क डालने के बाद इस तरीके से बटर अलग होने लगता है। ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप मिल्क डाल देंगे। अब हम इसे इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप स्पैचुला या विक्स से इसे मिक्स कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप उसका यूज कर सकते हैं। पर ये विक्स से अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो मैं इसे एक बार विक्स से मिक्स कर रहा हूँ, जिससे हम इसमें और भी चीजें मिक्स कर पाए। तो इसलिए हम इसे बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर इस तरह की एक छन्नी रख लेंगे। अब हम इसमें 3/4 कप मैदा डालेंगे, साथ ही पिसी हुई चीनी डालेंगे 1/2 कप। इसे और चॉकलेटी करने के लिए 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर डाल देंगे, क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर जो आपको ब्राउनी में केक की टेक्सचर पसंद है, तो आप उसमें ज़्यादा बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपको फजी टेक्सचर पसंद है, तो इतना ही डालना। छान के डालने से हमारी ब्राउनी सॉफ्ट और लाइट बनेगी और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी। अब हम एक विस्क की हेल्प से इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। ये कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रहनी चाहिए। इसको आपको बहुत ज्यादा देर तक भी मिक्स नहीं करना है, वरना ब्राउनी बहुत ज्यादा हार्ड बनेगी। अब हम इसे बेक करने के लिए देसी ओवन बना लेंगे। इतने आपको कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख देना है। अगर आप इसे बनाने के लिए छोटा मोल्ड यूज कर रहे हैं, तो उस कढ़ाई में नीचे एक स्टैंड या कटोरी रख दें। अब हम मोल्ड पे बटर पेपर लगा लेंगे, जिससे हमारी ब्राउनी पकने के बाद इजीली निकल जाए, और हम इसे बटर से अच्छे से ग्रीस भी कर देंगे। इसके बाद हम सारा ब्राउनी का बैटर इस मोल्ड में डाल देंगे। आपको इस बैटर को बनाने के बाद बहुत देर तक रखना नहीं है, वरना चॉकलेट जमना शुरू हो जाती है। इसे हम ऊपर से हल्का सा स्मूथ कर देंगे। हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप अपने फेवरेट कोई से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। अब हम इसे बेक करने के लिए प्री हीटेड कढ़ाई में रख देंगे। आपको इसे ढककर 25 से 30 मिनट तक पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। आप एक बार इसे चेक भी कर सकते हैं, टूथपिक डाल के कि अच्छे से पका है या नहीं। आपको इसे बार बार उघाड़ के नहीं देखना है, वरना ब्राउनी अच्छे से फूलती नहीं है।
अब ये ब्राउनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये अच्छे तरीके से बेक हो गई है और देखो ये कितनी टेस्टी लग रही है। हम इसे अभी खाएंगे नहीं, जब ठंडा होने रख देंगे जिससे डीमोल्ड करने में आसान हो। ठंडा होने के बाद आपको ऐसे पीसेस में कट कर लेना है। मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ उसे खाने के लिए। तक आप मेरी रेसिपी को बनाइए और इंजॉय कीजिए। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे मैं जो भी नई वीडियो डालूँ वो जल्दी जल्दी से आपको पता चल जाए। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करो। अगर जो आप इस रेसिपी को ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। बाय बाय फ्रेंड्स।